लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कोतवाली परिसर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवासीय परिसरों के साथ सभी बारकों का निरीक्षण बारीकी से किया, दिशा निर्देश दिए। आज लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पारेश्वर ने लालकुआ कोतवाली के कार्यवाले मालखाने, आवासीय भवनों, बारको, एलआईयू कार्यवाले, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, अल्पसंख्यक पुलिस सहायता केंद्र मैस का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जर्जर हो चुके आवासीय भवनों और कार्यालयों के लिए प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए, साथ ही साथ वस्तुओं के रख रखाव के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पारेश्वर ने कहा कि अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है, जर्जर भवनों के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा, जिसका बजट आने के बाद कार्य कराया जाएगा। साथ ही जो रिपेयरिंग का कार्य है उसको भी कराए जाने का प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया गया है। कोतवाली लालकुआ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें जो थाने परिसर की साफ सफाई चेक करी गई तो साफ सफाई काफी अच्छी है। इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं उसके समय निरीक्षक को अपने निर्देशित किया गया है। इसमें खासकर आवासीय परिसर में जो रिपेयर होनी है, मेंटेनेंस का कार्य होना है, उसका प्रपोजल तैयार करके अगले बजट में इसकी डिमांड की जाएगी। वस्त्रों के निरीक्षण में पाया गया कि जो भी चीज़ें हमारी पुरानी हो चुकी हैं उन्हें हमें चेंज कराना है। अभी बाकी अपना जैसे जो अपने आपने बताया कि आवासीय परिसरों में जो कमियाँ हैं उसके लिए निर्देशित कर ही चुके हैं हम इस संबंध में, और बाकी अभी बाकी निरीक्षण जारी है। इसमें जो भी कमियाँ होंगी उसके संबंध में निर्देशित किया जाएगा तथा इनकी पूर्ति की जाएगी। आईयू की जो बिल्डिंग हमारी है ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जो कि यहाँ की एक जो इतिहास से संबंधित बिल्डिंग है, तो इसके संबंध में हम चाहेंगे कि आगे भी एक नमूना पेश किया जाए कि कैसे ऐतिहासिक बिल्डिंग को प्रिजर्व कर सकते हैं और आगे एक तरह से एक हम नज़ीर पेश कर सकते हैं कि कैसे इन बिल्डिंगों को यूज़ करें।